फेस पैक आपकी स्किन प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आप उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करेंगे? Hey guys, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with a yet another skincare video. फेस पैक यूज़ करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप फेस पैक लगाते क्यों हैं। फेस पैक बेसिकली आपकी स्किन की डीप क्लेंजिंग करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपके फेस को लिफ्ट करता है, टाइटन करता है, एंड बेस्ट ऑफ ऑल आप अपने स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से इसकी इंग्रेडिएंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू 5 अमेजिंग DIY फेस पैक रेसिपीज दैट यू कैन मेक एट होम। और जो आज हम इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं वो आपके घर पर ही अवेलेबल होंगे। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग तो है ही और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट फेस पैक इज बेसन एंड दही फेस पैक। बेसन आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है, और दही में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, उसे सॉफ्ट और प्लम्प बनाएगा और डार्क स्पॉट्स रिमूव करेगा। आपको एक चम्मच बेसन और 2 चम्मच दही लेकर उसे मिक्स कर लेना है एक स्मूथ कंसिस्टेंसी होने तक, और उसे अपने फेस पर 5 मिनट तक अप्लाई करने के बाद वॉश करना है। आप इस फेस पैक को ड्राई और ऑयली दोनों स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज ओट्स एंड दही फेस पैक। ओट्स सभी स्किन टाइप्स के लिए अच्छा होता है, बट इट इज बेस्ट सूटेड फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन बिकॉज इट हैज वेरी मॉइस्चराइजिंग, सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज। आपको 1 चम्मच क्रश्ड ओट्स में 2 चम्मच दही ऐड करना है और उसे अच्छे से पेस्ट बनाकर अपने फेस पर 5 मिनट तक अप्लाई करना है एंड वॉश कर लेना है। हमारे नेक्स्ट फेस पैक के लिए हमें चाहिए सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर, एलोवेरा जेल और ऑरेंज जूस। आपको 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल में 2 टेबलस्पून सैंडलवुड पाउडर ऐड करना है। सैंडलवुड पाउडर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके एक्ने को कंट्रोल करता है, और ये आपके पोर्स को क्लीन करता है और ऑयल को कंट्रोल करता है। इसके बाद इसमें ऐड करें 1 टेबलस्पून ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस विटामिन सी में बहुत रिच होता है, ये डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और आपके स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है। इस फेस पैक को भी 5 मिनट्स तक अप्लाई कर वॉश कर लें। आप इस फेस पैक को टैन रिमूवल के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फेस पैक के लिए हमें चाहिए हनी और लेमन जूस। इस फेस पैक के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून हनी और 1/2 टेबलस्पून ऑफ लेमन। ये फेस पैक बेस्ट है फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन। हनी इज फिल्ड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, और ये आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। एंड लेमन इज फिल्ड विद एंटी ऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी जो कि आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करता है। आपको कभी भी लेमन अपने स्किन पर डायरेक्टली नहीं यूज करना चाहिए। आपको अगर उसे यूज करना है तो उसे या तो डाइल्यूट करें या फिर किसी मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करें। इस फेस पैक को भी 5 मिनट अप्लाई करने के बाद वॉश कर लें, लेकिन अगर आपको हनी या फिर लेमन सूट नहीं होता तो फिर इसे यूज ना करें। द लास्ट वन इज बनाना एंड मिल्क फेस पैक। अगर आपकी ड्राई स्किन है देन दिस फेस पैक कैन एक्ट एज अ मिरेकल फॉर योर स्किन, क्योंकि बनाना और मिल्क दोनों ही एक्सट्रीम मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं आपकी स्किन को। अगर आपको मिल्क सूट नहीं करता तो आप सिर्फ बनाना को भी यूज कर सकते हैं। आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके उसे अपने फेस पर रखना है 5 मिनट के लिए और उसे वॉश ऑफ कर लेना है। सो फेस पैक यूज करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप फेस पैक अपने फेस पर ही नहीं बल्कि नेक पर भी अप्लाई कर रहे हैं। नॉट ओनली फेस पैक, आपको हर स्किन केयर प्रोडक्ट अपने नेक पर भी यूज करना चाहिए, बिकॉज साइंस ऑफ एजिंग सबसे पहले आपके नेक में शो होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो ऑल द लव एंड केयर टू योर नेक एज वेल एज योर फेस।
ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप फेस पैक यूज कर रहे हैं, अगर वो ड्राई नेचर का है, यानी कि ड्राई होने के बाद अगर वो क्रैक होने लग जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप उसको इस स्टेज तक ना ड्राई होने दें कि वो क्रैक होने लग जाए। क्योंकि जब वो ड्राई हो जाता है, वो क्रैक होने लगता है, तो वो क्या करता है, वो आपकी स्किन से मॉइस्चर सक कर लेता है, आपकी स्किन से मॉइस्चर ले लेता है और आपकी स्किन को ड्राई बना देता है। सो ऐसे फेस पैक यूज करते हुए हमेशा सेमी ड्राई होने तक ही इसे रखें और उसके बाद इसे रिमूव कर दें। और अगर ये बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई होने लगता है तो आप वाटर टच से भी इसे दोबारा वेट कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप फेस पैक रिमूव करते हैं तो रिमूव करने से पहले उसे थोड़ा सा इमल्सिफाई कीजिए, अपने फिंगर टिप्स पे वाटर लेके उसे इमल्सिफाई कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ताकि जब भी आप उसे रिमूव करें तो आपकी स्किन ड्रैग ना हो। अप्लाइंग फेस पैक्स कैन गेट अ लिटिल मेसी, इसीलिए जब भी आप फेस पैक अप्लाई करें तो ऐसे कपड़े पहने जो कि अगर खराब भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। फेस पैक आपको रोज रोज नहीं अप्लाई करना होता है, फेस पैक आप वीक में एक या दो बार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फिंगर्स की मदद से या फिर फेस पैक ब्रश के साथ अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पैक को। तो मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ दही एंड ओट्स फेस पैक। अब ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी के हैं, इसीलिए मैंने अपने अंडर आई एरिया पर भी इसे लगाया है। पर अगर आप कोई ऐसा फेस पैक लगा रहे हैं जो ड्राइंग नेचर का हो, जैसे कि उसमें लेमन हो या मुल्तानी मिट्टी हो या फिर कोई ऑयल कंट्रोलिंग एजेंट हो, तो आप उसे अपने अंडर आई एरिया पर ना लगाएं, क्योंकि वो सेंसिटिव पार्ट होता है और वो एरिया ड्राई आउट हो सकता है। फेस पैक अप्लाई करने के बाद उसे 5-7 मिनट्स तक ड्राई होने के लिए छोड़ दें और कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन अवॉइड करें। फेस पैक ड्राई होने के बाद मैंने इसे वाटर टच के साथ इमल्सिफाई कर लिया है। इमल्सिफाई करने से ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है और जैसे ही आप इसे वाइप ऑफ करते हैं, रिमूव करते हैं अपने फेस से, तो ये ईजिली रिमूव हो जाता है लाइक सो, एंड आपकी स्किन ड्रैग नहीं होती। और इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद मैंने अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश कर लिया। फेस को टॉवल से पैट ड्राई करने के बाद मॉइस्चराइजर या फिर सीरम अप्लाई करें एंड देन यू गुड टू गो। So that's it for today, you guys. I hope that this was helpful for you, and if it was, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. If you have any query or suggestion, then feel free to write it down in the comment section below. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye-bye.